इतना बड़ा डिसीजन लिया गया कि G20 के अंदर इतनी बड़ी पावर जो है वो पूरा यूरोपियन यूनियन से लेकर सारे के सारे बैठ के ये डिसाइड करे। अच्छा, दूसरा G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लेना, और अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके अफ्रीकन यूनियन के अंदर इंडिया का सिक्का जमाना, अभी भी नाइजर होते जब नाइजीरिया होते हुए जा रहे हैं, अफ्रीका की है, और वहां पर मोदी जी का स्वागत बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो उसके अंदर सोच कर देखिए क्या लेवल रहा होगा। ये G20 का जो इजलास है, ये जो यूरोप है, ये बड़ी आप समझिए कि यानी तारीखी तौर पे बड़ा मजबूत ये इलाका है। वो ये है कि एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड जंगें तो सारी यूरोप में हुई हैं, ये आपस में ही लड़ते मरते रहे पहले सारा। मुझे तो लग रहा है कि चीन उनका एक इशू हो सकता है, उनका चीन यूक्रेन हो सकता है उनका इशू, पाकिस्तान और यानी इमरान खान क्या साबका रवायात शामिल नहीं, ऐसे नहीं होता रहा आपके पाकिस्तान में पहले? क्या अमेरिका मुदाखलत नहीं करता रहा? क्या जी, क्या अमेरिका मुदाखलत नहीं करता रहा आपके पाकिस्तान? नहीं करता रहा। वहां जियो पॉलिटिक्स क्या थी? चाइना, चाइना चाहता था कि अगर शी जिनपिंग G20 मीटिंग में नहीं आएंगे तो पॉसिबली पॉसिबली ये होगा कि इंडिया जो है उसकी इमेज खराब होगी, और इंडिया जो है क्योंकि बड़े बड़े नेता तो आए नहीं, पुतिन तो आ ही नहीं सकते थे, उसका उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। खुदा के लिए रात को उसके खौफ के बगैर भी सो जाया करो। हमारे सरों पर आपने मुसल्लत किया हुआ है, हम जानते हैं वो हमारे मसाइल का हल नहीं है। आज उसे पावर दे दो तो कोई होगा जो 3.5 साल भी हुआ था। बाइडन वहां है लेकिन बाइडन की कोई औकात नहीं है, वो सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि बाइडन अगली बार रहेंगे नहीं, तो इसलिए वो बोले। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों G20 में भारत की धाक जम चुकी है। G20 के जो देश हैं यानी कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण 20 देश, वो भारत को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, और मोदी जी अब ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, तो इतना बड़ा वेलकम उनको मिला है ब्राजील में और G20 सम्मेलन में, जो कि जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे अभी कुछ समय पहले गए थे वो रियाद, जिसके लिए कल मैंने वीडियो डाला था, और वहां पे किसी ने इनको पूछा नहीं था, साइड में कोने में खड़ा कर दिया गया था और पता ही नहीं था कि कौन है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वहीं ये कंपेयर करते हैं जब मोदी जी के साथ, तो वो कहीं नहीं दिखते हैं। मोदी जी बहुत आगे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता है। और यही सारी डिस्कशन इस वीडियो में हो रही है जो पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है। हम लोग देखेंगे कि ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान के PM का कोई कंपैरिजन है मोदी जी के साथ? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको ये समिट? आरजी देखिए, ब्राजील के अंदर G20 हो रहा है जिसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, कभी भी कोई भी इतने बड़े लेवल का जो इवेंट होता है, खासकर 20 कंट्रीज जब मिल बैठ के बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली यहां पर एक बड़ी अजीब सी एक पॉलिटिक्स होती है कि मान लिया इसमें कोई भी डिस्कशन चल रहा है G20 में, बढ़िया सा डिस्कशन चल रहा है, और सबको पता है कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है, और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो दुनिया के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करेगा, तो नॉर्मली ऐसा डिसीजन किसी ऐसी कंट्री में लिया जाता है जहां पर जो काफी मजबूत होती है, उसके पीछे का एक लॉजिक होता है, क्योंकि जिस कंट्री में इस तरीके की मीटिंग होती है वो कंट्री ही उस पर्टिकुलर मीटिंग का प्रेसिडेंट होता है, हमें यह समझना हो। यानी इस बार G20 मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो ब्राजील है, इससे पहले G20 मीटिंग के अंदर जो प्रेसिडेंट था वो इंडिया था, और इंडिया से पहले इंडोनेशिया था। अगर आप इंडोनेशिया की मीटिंग को देखेंगे तो इंडोनेशिया की जो मीटिंग थी वो इंटरनेशनल डिशुम डिशुम का, या यू कहीं इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में डिशुम डिशुम कहता हूं, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का एक अखाड़ा बना, और वहां इंडोनेशिया से एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें रशिया को कहा गया कि आप यूक्रेन से वापस जाए। ये 2022 वाले की बात कर, इंडिया के अंदर जब 2020। अच्छा, उसके अलावा आपको मिलेगा कि G20 में कुछ खास बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ, लोग गए बातचीत करके वापस आए। आप वहां पर कोई रेजोल्यूशन भी ढंग का पास हुआ तो आपको कुछ कॉन्क्रीट लेवल का रिजल्ट आप नहीं देख सकते, लेकिन जब वही G20 इंडिया में होता है तो सब टक्कर मार के मर जाते हैं। इंडिया उसका, रशिया का नाम G20 के कलेक्टिव रेजोल्यूशन में लाने ही नहीं देता।
कि इसमें यह है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है वो मेंटेन की जाएगी, लेकिन किसी कंट्री का नाम नहीं लिखोगे, उसमें सारे आ जाएंगे कि जो लड़ेगा वही गलत। अमेरिका टक्कर मारता रहेगा कि भाई इंडिया मान जाओ कि रशिया का नाम ना रशिया का नाम नहीं है। वहां जियोपॉलिटिक्स क्या थी, चाइना, चाइना चाहता था कि अगर शी जिनपिंग G20 मीटिंग में नहीं आएंगे तो पॉसिबली ये होगा कि इंडिया जो है उसकी इमेज खराब होगी, और इंडिया जो है क्योंकि बड़े बड़े नेता तो आए नहीं, पुतिन तो आ ही नहीं सकते थे, शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे, तो एक अजीब सा शोर मचेगा कि इंडिया जो है वो बर्बाद हो, मतलब इंडिया की वो ताकत नहीं है जितनी अपोज करता है, और बस वैसे ही है। अब हुआ क्या, उस G20 मीटिंग के अंदर इंडिया ने जो डिप्लोमेसी खेली वो अपने आप में गजब थी। रशिया को तो रशिया का नाम नहीं आने दिया, इसका मतलब रशिया दोस्त है। सबसे बढ़िया जिसे कहते हैं कि धज्जियां उड़ाई चाइना की, G20 मीटिंग में डिसाइड हुआ बॉम्बे से UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन से होते हुए हैफा तक एक इंटरनेशनल मिडल ईस्ट IMEEC इंटरनेशनल इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जाए। अब ये कॉरिडोर असलियत में श्वेज कैनाल और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अल्टरनेट की फॉर्म में देखा गया। ये दुनिया की इकोनॉमी को चेंज करने के लिए, क्योंकि श्वेज कैनाल के अंदर अब ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, उसको हैंडल कर नहीं पा रहे, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा या ट्रैफिक बढ़ेगा हालत और खराब होती चली जाएगी, चौकिंग है मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ब्लॉक्स मतलब ब्लॉक हो जाएगा रास्ता सब चीजें ट्रैफिक जैम की वजह से। अल्टरनेट जो कैनाल बनाने की कोशिश करी, उससे अच्छा एक ट्रेड रूट डेवलप कर दिया जाए, और सऊदी अरेबिया के अंदर जो नियॉम सिटी बना रहा है उसके पैरेलली जो अगर ये ट्रेड रूट जाएगा तो उससे और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया कि G20 के अंदर इतनी बड़ी पावर्स जो है वो पूरा यूरोपियन यूनियन से लेकर सारे के सारे बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लेना, और अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके अफ्रीकन यूनियन के अंदर इंडिया का सिक्का जमाना, अभी भी नाइजीरिया होते हुए जा रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर अफ्रीका की है और वहां पर मोदी जी का स्वागत बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो उसके अंदर सोचकर देखिए क्या लेवल रहा होगा। मैं वही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया के अंदर जब G20 हुआ तो वो एक मीनिंगफुल, उसका कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल गया, और वॉर को एस्केलेशन के मामले में एक अलग ही लेवल जा रहा था। अब क्या होगा ब्राजील के अंदर, ब्राजील में मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी शी जिनपिंग से बात करते हुए देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों अब बातचीत कर चुके हैं। तो पहला तो अचीवमेंट तो कहो या एक बैटल ग्राउंड नहीं दिखाई देगा कि ब्राजील के अंदर शी जिनपिंग और मोदी एक साथ बैठकर बात करेंगे। ये G20 का जो इजलास है ये अहमियत रखता है। देखें, मैं आपको एक बात ही बताऊं कि जो यूक्रेन है ना, ये दो जगहों से जियोपॉलिटिक्स निकल रही है दुनिया की, एक तो निकलेगी वहां से वजह से, और उसका सीज फायर क्या होता है और क्या नहीं होता वो बात चली थी कि लेबनान में शायद सीज फायर हो जाएगा और वो गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा, उसमें भी कोई खास पेशरफ नहीं हुई, हुई भी है नहीं भी हुई, कहीं ना कहीं वो बातचीत अभी चल रही है कि ट्रंप के आने से पहले उसका कोई खदोखाल सामने आए कि भाई वहां पर सीज फायर कैसे करवाना है, कैसे वो दो रियासतें हल की तरफ जाए, वो अभी मामला आगे चल रहा है, वो एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है जो मिलेगा ट्रंप को। तो दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि कोई कंपैरिजन नहीं बनता है पाकिस्तान के पीएम का मोदी जी के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।